तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीतेक शर्मा। अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी हो या फिर ना हो, अगर आपके घर में कोई सा भी टीवी हो या फिर फ्रिज हो, अब अपने घर में एक वोल्टेज स्टेबलाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तब जब आपके घर के बाहर बहुत ज़ोर से बादल गरज रहा हो, बादल गरजने से वजह से जो उसका थंडर होता है इलेक्ट्रिक पोल में टकराने के बाद, उसका अगर बिजली आपके घर में आता है ना, तभी इलेक्ट्रिक का पावर जो ऐसे कंजक्शन होता है ना, वो 240 से लेके एबो 480 तक प्लस हो जाता है। तो उसी प्रकार में आपके टीवी के अंदर जो कंडक्टर होता है ना, वो झेल नहीं पाता। इसी की वजह से टीवी का जो वो होता है ना, ट्रांसफॉर्मर होता है, वो ख़राब होता है, या फिर मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है। मतलब टीवी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, फ्रिज पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, फैन भी ख़राब हो सकता है। लेकिन फ़ैन के लिए स्टेबलाइजर नहीं सही है, लेकिन टीवी के लिए एक वोल्टेज स्टेबलाइजेशन खरीदना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो थोड़ा पास से दिखाता हूँ, तो इसलिए मैं इसको हाथ में इसलिए पकड़ रहा हूँ कि पिछले एक वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि खुद का वीडियो दो, अरे तो मैं तो खुद का ही दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको हाथ में उठा के रखा हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजेशन फीगर्ट मिनी क्रिस्टल स्मार्ट। तो अभी जो सब्सक्राइबर है उनको मैं दिखाना चाहता कि अरे ये तो मेरे हाथ में ही था। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज को यहाँ पे जो इसका लिखा रहता है कि यहाँ पे देख सकते हो, मॉडल है मिनी क्रिस्टल स्मार्ट, कैपेसिटी है 1.3 एम्पियर, वर्किंग रेंज है 9 वोल्ट टू 219 वोल्ट, और यहाँ पे इन आउटपुट देख सकते हो 200 टू 240, और इनपुट देख सकते हो कि 180 टू 200 वोल्ट इनपुट। एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो स्मार्ट टीवी तो 82 इंच, और यहाँ पे 32 इंच के लिए भी, और सेट टॉप बॉक्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फिगर का इंडस्ट्री है कोची पे 28 इंडिया पे, तो ये है इंडियन प्रोडक्ट है, तो इसके लिए आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये टीवी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और ये वाला सेट टॉप बॉक्स के लिए आप भी यूज़ कर सकते हो। अरे वो कमेंट देने वाले भाई साहब, अब तो मन में शांति मिला ना, ये तो मेरा खुद का ही प्रोडक्ट है। तो इसको प्रोडक्ट यूज़ करते हुए आज एक साल प्लस हो गया है, तो इन एक सालों में मुझे फीगर्ट का ये जो वोल्टेज स्टेबलाइजेशन है, फीगर्ट मिनी स्मार्ट क्रिस्टल, एकदम बढ़िया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा टीवी पे लगा के। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब इसका वोल्टेज इनपुट यहाँ पे नज़र आ रहा है 240 के आसपास, और इसका वोल्टेज आउटपुट भी 240 के आसपास, लेकिन मैं कभी कभार मैं इसको डिस्प्ले चेक करता हूँ, कभी कभार यहाँ पे वोल्टेज इनपुट तो 240 तो मैक्सिमम रहता है, लेकिन आउटपुट जो होता है ना, आउटपुट रहता है 212-15 इतना ही रहता है। तो टीवी के लिए और सेट टॉप बॉक्स के लिए प्रॉपरली दोनों एक साथ काम करता है। इसको चलाते हुए मुझे एक साल प्लस हो गया, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे गोद में उठा उठा के मैंने इसमें वीडियो डाला। तो फीगर्ट मिनी क्रिस्टल का अगर पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसमें आप देख सकते हो। और मैं आपको दिखाऊँ, और मैं आपको कहूँगा कि एक ज़रूरी बात वो है कि आपके घर में यहाँ पे देख सकते हो कि फीगर्ट का जो इन्वर्टर है ना, उसमें 3 टर्मिनल है जो आप घर का सॉकेट में लगाएंगे। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है इसका अर्थिंग पोल, जो 3 पोल होता है ना अर्थिंग। वाई अर्थिंग इज इम्पोर्टेंट, ये जो पिक्चर देख रहे हो ना यहाँ पे, इसमें पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, घर में भैया अर्थिंग लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इस बार भी मैं कहूँगा आपके घर में टीवी हो या ना हो, उस टीवी में भैया वोल्टेज स्टेबलाइजर हो या ना हो, इसको लगा लो भाई। आपका जो आपका बॉडी है ना, उसके लिए बहुत सुरक्षित है यह अर्थिंग। उसके बाद अर्थिंग कैसे काम करता है उसको अगर जानने के लिए आपको ये पिक्चर और एक बार देखना होगा। यहाँ पे लिखा है कि ये पिक्चर देख रहे हो ना, नीचे में लिखा है 2 इंच का सेल्फ डायमीटर मॉइस्चराइजर GFA ब्लैक अर्थ, और यहाँ पे तो ये है प्रॉपर अर्थिंग, आपके घर में लगा सकते हो। अगर अपना इतना प्रॉपर भी नहीं लगाते हो, तो एक आप एक कॉपर का ऐसे पाइप लीजिए, कॉपर पाइप को आप अपने घर के आसपास एक ग्राउंड के ऐसे गड्ढा कीजिए, गोल करके ऐसे लंबा करके थोड़ा गद्दा कीजिए, मतलब मैक्सिमम 2 फीट होने से बढ़िया रहता है, मतलब 1.5 फीट से ऊपर होना तो बढ़िया होता है। तो 1.5 फीट तक एक तांबे का एक रॉड लाइए, पाइप लाइए, उसके बाद सबसे पहले अंदर में चारकोल डालना होगा, चारकोल नहीं तो आप अपना कोयला का भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा नमक भी डालना होगा, उसको नमक डालने के बाद
उस अर्थिंग वायर में नीचे की तरह कॉपर वायर को उसको लगाने के बाद नीचे गाड़ दीजिएगा। अगर आपके घर में जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो अगर चारकोल कोयला अगर नहीं डालता है ना, कृपया करके आप डालिएगा, ये आपको याद रखना होगा ताकि प्रॉपर अर्थिंग आना तो सही है। अगर अर्थिंग फिर भी आप कन्फ्यूजन में हो कि अर्थिंग आपको जो आपका इलेक्ट्रिशियन अर्थिंग आपके घर में लगा के चला गया, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा पता है, मैं आपको दिखा रहा होता कि ये फिक्सर देख सकते हो। हर हर इलेक्ट्रिशियन के पास मल्टीमीटर होना तो बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे भी कोई इलेक्ट्रिशियन आज की दुनिया में होगा नहीं जिसके पास मल्टीमीटर नहीं होगा। तो मल्टीमीटर से आप अपने घर का जो स्विच बोर्ड है जिसमें आप टीवी को लगा रहे हो ना, उसमें मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा कि उसका अर्थिंग वोल्टेज आउटपुट कितना ओम आ रहा है, कितना उसका एम्पियर आ रहा है, वो एक बार जल्दी से एक बार चेक अप कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अर्थिंग लगाने के बाद छोड़ देना नहीं है, अर्थिंग को प्रॉपर तरह से मल्टीमीटर से चेक करने के बाद आपको तसल्ली मिलेगा कि हाँ भाई हाँ हमने अर्थिंग प्रॉपरली लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने गोदी में लिया लिया के ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, क्या यार कुछ भी। तो फिर भी आपको उस मेरे जो भी सब्सक्राइबर हो मुझे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई में देता हूँ। तो उस सब्सक्राइबर को कहना चाहता हूँ कि थैंक्स, ताकि मैं इस बार आपको फिर से दोबारा वीडियो बना ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। फिर भी आपको कुछ फिर भी समझ नहीं आ रहा तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। अब तक आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम। आखिर में एक बार भेगाट किस्तल का बहुत सारा वीडियो देखा, लेकिन अर्थिंग के बारे में लोगों को लगाने के लिए बार बार जो कहना पड़ता है ना, वो भी कह दो भाई, कह दो, वो ज़रूरी है।